नमस्कार, टेन शेयर्स में आपका स्वागत है। बुधवार को भारतीय शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स में 131 अंक और निफ्टी इंडेक्स में 41 अंक की गिरावट आई। आईटी, फार्मा और ऊर्जा शेयरों ने बाजार को नीचे गिरा दिया, जबकि वित्तीय सेवाओं और निजी बैंकों के शेयरों में खरीदारी की दिलचस्पी देखी गयी। निवेशक फेड के फैसले और भविष्य की मौद्रिक नीति के लिए उसके दृष्टिकोण पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म में भारतीय इक्विटी को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 350 अंक और बीएसई स्मॉल कैप सूचकांक में 299 अंक की गिरावट आई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने जीएडीसी के साथ 2 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। ल्यूपिन ने टेकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ एक नॉन एक्सक्लूसिव पैटेंट लाइसेंस समझौता किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए अपने दूसरे बेसल 3 कंप्लायंट टियर 2 बांड जारी करके 7,500 करोड़ रुपए जुटाए। नाजारा टेक्नोलॉजीज ने एब्सोल्यूट स्पोर्ट्स में 19.35% हिस्सेदारी हासिल की। अरबिंदो फार्मा की यूजिया स्टेराइल्स ने अपनी नई इंजेक्टेबल सुविधा का यूएफडीए निरीक्षण पूरा कर लिया है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स को 7,500 DWT के बहुउद्देशीय जहाजों का ऑर्डर मिला। इंटेलेक्ट ने मध्य पूर्व बाजार के लिए वेल्थ फोर्स AI लॉन्च किया। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के बोर्ड ने 5,000 करोड़ रुपए के NCD जारी करने को मंजूरी दी। बुंडाडा ग्रीन इंजीनियरिंग को भारतीय एयरटेल से 10.20 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर मिला है। हेरिटेज फूड्स बोर्ड ने तेलंगाना के शमीरपेट में एक नई आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी को महाराष्ट्र में 400 मेगावाट वाइंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला। पुदुंजी पेपर प्रोडक्ट ने प्रोजी ग्रीन एनर्जी को 15.4 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। BL कश्यप एंड सन्स को लगभग 221 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक फंड जुटाने पर विचार करेगा। आलोक इंडस्ट्रीज ने बिजी चाको को कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। उनासा कंज्यूमर की मामाअर्थ ने अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए CSD नेटवर्क में प्रवेश किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब 10 शेयर्स।